वेलकम टू बैक रियल ज्ञान। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप स्टॉक ऐप के ओटीपी नहीं आ रही है तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें। दोस्तों अगर आपके भी फ़ोन में आप स्टॉक ऐप के ओटीपी नहीं आ रही है और आप भी इस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिजनेस कैप की स्टेप बाई स्टेप पूरा जरूर देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप स्टॉक ऐप के ओटीपी नहीं आ रही है, इस प्रॉब्लम को ठीक करना है तो क्या करना होगा, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में आना है। सेटिंग में आएंगे, फिर एक ऑप्शन आता है ऐप का, ऐप पे क्लिक कर देना है। ऐप पे क्लिक करेंगे ऐसा एंटर पे जा देगा, फिर आपके फ़ोन में जो भी ऐप रहेगी वो आ जाएगी। तो ऐसे आपको अप स्टॉक ऐप पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टॉक ऐप पे क्लिक करेंगे ऐसा एंटर पे जा देगा। अब एक ऑप्शन आएगा स्टोरेज का, इस पर क्लिक कर देना है। नीचे की तरफ ऑप्शन आएगा कलर डाटा, इस पर क्लिक करना है। ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करेंगे एप्लीकेशंस का डाटा क्लियर होगा। फिर एक ऑप्शन आएगा परमिशन का, आपको परमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको जितनी भी परमिशन देखने को मिल रही है उन परमिशन को एक एक करके ऐसे अलाउ कर देना है। जैसे आप इन परमिशन को अलाउ कर देंगे उसके बाद में आपके फ़ोन में इस एप्लीकेशंस के ओटीपी रहेंगे वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपके भी फ़ोन में अब स्टॉक ऐप के ओटीपी नहीं आ रही है तो आप भी इस प्रॉब्लम को कुछ इस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना, ताकि मैं अगला कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहले पहुंच सके।